अब इस देश की सरकार की परीक्षा है कि अपनी जवाबदेही के प्रति जल्द से जल्द कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए, क्योंकि पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर नीट की परीक्षा का पेपर लीक कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस गिरोह या माफिया के इशारे पर यह सब हुआ। क्या उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा था? और अब इस पर सरकार किस स्तर पर जांच करवा रही है ताकि देश के होनहारों का भविष्य में सुरक्षित रह सके। जी हाँ, नीट पेपर लीक मामले में पूरे देश की राय एक हो चुकी है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और इसके लिए निष्पक्षता से उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। लेकिन इससे पहले भी कई और सवाल उठते हैं जो न केवल वे स्टूडेंट पूछ रहे हैं जिन्होंने दिन रात एक करके पूरी ईमानदारी के साथ ये एग्जाम फाइट की है, बल्कि इस देश का हर एक नागरिक पूछ रहा है, आम नागरिक। सवाल यह है कि इस एग्जाम के पूरे प्रबंधन के लिए एनटीए संस्थान की भूमिका पूरी तरह उजागर क्यों नहीं हो रही और सरकार ये माने कि गलती तो हुई है। दरअसल ये मुद्दा किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए, यह देश के युवाओं का भविष्य के सवाल है। शिक्षा मंत्रालय ने भारी दबाव के बाद इस मामले में डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन तो कर दिया है और इस ग्लोबल एक्सपर्ट्स की हाई लेवल कमेटी का काम भी फिलहाल तय कर दिया गया है। ये कमेटी एनटीए में भविष्य के लिए किस तरह सुधार हो, इसके कार्यप्रणाली और ढांचे में नए क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, एग्जाम्स के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को किस तरीके से नए तरीके से मैनेज किया जाए, ये सारी बातें इस कमेटी में विचार का विषय होगी। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में जो एनटीए में मिसमैनेजमेंट हो चुका है, कुछ खास केंद्रों में तो 15 मिनट लेटर लेट पेपर पहुंचा है। क्यों पहुंचा है, कैसे पहुंचा है? कुछ केंद्रों में एक क्रम में 6 स्टूडेंट्स को अप टू 100% मार्क्स मिल गए, कैसे मिल गए? और 67 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको 720 में से 720 नंबर पूरे मिल गए। पेपर लीक के तार कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक मिले हैं, तमाम चीज़ों की जाँच कौन करेगा? जब भी कभी पेपर लीक की घटना होती है तब कुछ नाम उजागर होते हैं, कुछ गैंग, पुरानी जो माफिया हैं उनके नाम आते हैं। आखिर एक बार की घटना में दोषी साबित होने के बाद वही पुराने गैंगों के नाम क्यों आ जाते हैं? इनको बार बार संरक्षण कौन दे रहा है? आखिर इनको राजनीतिक संरक्षण का भी कोई आधार है? ये तमाम मुद्दे हैं जिनके जवाब देश को चाहिए। क्या हर बार बेहतरीन रिजल्ट देने को लेकर नाम चमकाने और अगले बैच में मोटी फीस वसूलने वाले कोचिंग माफिया भी इस घटना में सक्रिय हैं? कई बार ये खुलासा भी हो चुका है कि नेताओं का फला फला कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा लगा हुआ है, लेकिन सरकार सवाल का जवाब देने से बच क्यों रही है? यह हम नहीं कह रहे हैं, यह देश का युवा कह रहा है, छात्र कह रहा है, विपक्षी राजनीतिक दलों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनडीए के जिस मुख्य घटक दल बीजेपी की सरकार मौजूदा परिस्थितियों में सत्तासीन है, उसी के सांसद कह रहे हैं, संघ कह रहा है और बीजेपी की स्टूडेंट यूनिट भी अब तो कह रही है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही क्यों नहीं रख पा रही? बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, अशोक कुमार यादव ने इस मामले को गंभीर बताया है और इसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव यज्ञ शुक्ला ने भी बड़ी बात कह दी है। यज्ञ शुक्ला ने कहा है कि जब प्रजा की तरफ से सवाल है तो सरकार की तरफ से जवाब तो देना ही चाहिए, होना ही चाहिए। खैर, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कोई ना कोई फैसला तो सुनाएगा ही। अगर परीक्षा रद्द होती है तो भी निश्चित तौर पर बहुत सारे युवाओं का दिल टूट जाएगा, जार जार हो जाएगा, जिन्होंने इस परीक्षा को ईमानदारी से फाइट किया। और अगर रद्द नहीं हुई तो भी दिल टूट जाएगा, क्योंकि मुन्ना भाई सरीखे 30 लाख रुपए देने वाले परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में पहले वरीयता मिल जाएगी। क्या ऐसा होगा देश का भविष्य? क्या इस तरह डॉक्टर तैयार होंगे हमारे देश में? स्थिति गंभीर है, क्योंकि न केवल एनटीए जैसे संस्थान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि देश में तीसरी बार सत्ता में काबिज सरकार पर भी सवाल खड़े हुए हैं। अब सरकार को जवाब देना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जनता दरबार के लिए जयपुर से विजय वर्मा।